क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? देखो मुझसे मजाक तो करना ही मत, वरना तुम तो जानते हो ना क्या हाल करूंगी मैं तुम्हारा। हाँ रूपा, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। रूपा एक सांवली लेकिन बहुत ही घमंडी और अमीर बाप की एक लौती औलाद थी, इसलिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि किशोर जैसा लड़का उसको पसंद करता है। दोनों कॉलेज खत्म होने के बाद अपने घर पर शादी की बात करते हैं। पापा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बेटा, बोलना क्या बात है? पापा वो क्या है ना, मैं कॉलेज के समय से ही एक लड़के को पसंद करती हूँ और उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बिजनेस है उसका? पापा उसका कोई बिजनेस नहीं है, कंपनी में नौकरी करता है और हर महीने में वो 40,000 कमाता है। ये सुनकर धनंजय थोड़ा चिंतित हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी बेटी को उसके पैसों का कितना घमंड है। अरे बेटा, मुझे नहीं पसंद ये लड़का। अरे 40,000 में तुम्हारा क्या होगा? अरे ये क्या उठाएगा तुम्हारा खर्चा? रहने दो, छोड़ो इसे, दूसरा देखेंगे हम। हाँ भूल जाओ इसे, इसके घर में कैसे रहोगी तुम? पापा उसके घर में सिर्फ उसकी माँ और वो है बस, और आप अपनी बेटी को खाली हाथों विदा करेंगे नहीं? एडजस्ट कर लूंगी मैं। बेटी के सांवले रंग की वजह से कई बिजनेस घराने के रिश्ते कैंसिल हो चुके थे, इसलिए धनंजय इस रिश्ते के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ किशोर की माँ भी बहू को ना देखकर उसकी दौलत को देखती है और लालच में आकर वो भी शादी के लिए मान जाती है। देख बेटा, वैसे तो मुझे काली कलौटी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तेरी खुशी के खातिर इसे मैं अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। माँ मैं जानता था मेरी खुशी को देखकर आपको भी खुशी होगी। रूपा और किशोर की शादी धनंजय बड़े धूमधाम से कराता है और ढेर सारा दहेज, और साथ में रूपा किशोर के घर से विदा होकर चली जाती है। शुरू में तो रूपा सुषमा की हर बात मानती है, जिससे किशोर भी निश्चित होकर अपनी नौकरी पर जाने लगता है, लेकिन धीरे धीरे रूपा का घमंड उसके सर पर चढ़ने लगता है। रूपा बहू ये देख, मैं पालक खरीद के लाई हूँ, आज खाने में यही बना दे। माँ जी ये पालक आप लाई हो ना, तो एक काम करो आप ही साफ कर लो इसे, मुझसे नहीं बनेगा ये पालक वालक, मैंने अपने घर में एक ग्लास तक उठा कर नहीं रखा, और आप चाहती हैं कि मैं ये काम करूँ? नो वे। रूपा तू अब इस घर की बहू है, तेरा फर्ज है ये काम करना। मानती हूँ कि तू एक बड़े बाप की बेटी है जो महलों में रहकर आई है, और अब तू महल में नहीं रहती है, तेरा ये छोटा सा आशियाना तेरा ये घर ही है, और अगर तुझे कोई काम करना नहीं आता है तो मैं तुझे सब कुछ सिखा दूंगी। माँ जी आप अपना लेक्चर अपने पास रखिए, आप जानती हैं कि मैं कोई काम नहीं करने वाली, तो बोले भी मत प्लीज। रूपा बहू लगता है तू भूल रही है, तू एक सावली लड़की है जिससे कोई शादी नहीं कर रहा था, वो तो मेरे बेटे ने सोचा तुझे अपनाने की। वैसे तेरे बाप के पास बहुत पैसा है, लेकिन तू आज तक गोरी नहीं हुई है, तेरे बाप के पैसे तो तुझे गोरा ही नहीं कर पाए, तो तू उन पैसों पे क्या कर दिखा रही है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे सावली बोलने की? आप भी मत भूलिए कि मैं शादी करके जो सामान दहेज में लाई हूँ ना, सब मेरे पापा के पैसों का है। ये फ्रिज, एसी, सोफा, फर्नीचर, आपके इस छोटे से आशियाने में मेरी वजह से बहुत महंगा सामान आ गया है। तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जवान चलाएगी काली कलूटी कहीं की? रूपा की बात सुनकर सुषमा का पारा हाई हो जाता है और वो ये बोलकर उसे चाटा चढ़ती है। तभी उसका बेटा किशोर उस वक्त आकर उसे ऐसा करने से रोकते हुए बोलता है, माँ माँ ये क्या कर रही हैं आप? आपको रूपा पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। बेटा ये काली कलूटी तेरी माँ को क्या क्या कह रही थी तू जानता है? किशोर जी देखिए ना, माँ जी ने मुझ पर हाथ उठाया, मैंने तो इन्हें कुछ भी नहीं कहा था। रूपा शट योर माउथ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने तुम्हें और माँ को बहस करते हुए देख लिया था, और ये मगरमच्छ के आंसू ना मुझे मत दिखाओ, इसकी जगह ना तुम घर को अपनाने की कोशिश करो। मैं इस घर में कोई कलेश नहीं चाहता हूँ, मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं माँ से भी प्यार करता हूँ, और तुम दोनों को झगड़ा करते हुए नहीं देख सकता। मैं हाथ जोड़ के दोनों से कह रहा हूँ, कोई भी झगड़ा करने का बहाना मत दो एक दूसरे को। बेटा मैंने इसे प्यार से ही कहा था, और ये भी कहा था तुझे काम नहीं आता तो मैं सिखा दूंगी, लेकिन ये है कि अपने बाप के पैसों का घमंड दिखा रही थी मुझे, और ना जाने क्या क्या बोलने लगी। किशोर जी मैंने भी माँ जी को प्यार से ही कहा था कि मुझसे ये काम नहीं होगा, फिर भी इन्होंने मुझे पापा के पैसों का महल वहल लेक्चर देने लग गई और मुझे काली भी बोला। ठीक है, मैंने मानी दोनों की गलती बराबर थी, ठीक है, लेकिन अब से दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा मत करना। आदमी सारा दिन मेहनत करके काम करके आता है ताकि घर में आने के बाद शांति से दो वक्त की रोटी खा सके, लेकिन नहीं,
रोटी तो छोड़ो, यहाँ मुझे पानी भी नसीब नहीं होता। ऊपर से आप दोनों एक दूसरे को सुनाती रहती हो, और ये भी कम नहीं है जो आप लोगों का ये झगड़ा देखने को मिल जाता है। बेटा मुझे माफ कर दे, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। किशोर जी, आई एम सॉरी, मैं भी अब से ऐसा नहीं करूँगी। मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। ठीक है। रूपा इतना कहकर किचन से उसके लिए पानी ले आती है और उसे पानी दे देती है। तभी सुषमा कहती है, बहू आजा बेटा, साथ में मिलकर खाना खाएंगे, किशोर को वैसे भी बहुत भूख लगी है। किशोर जी की नजरों में आने से अच्छा है ना कि मैं थोड़ा अच्छा बनने का दिखावा कर लूं। चलिए माँ जी, पालक पनीर जो बना है ना, मुझे सिखाइए। इस तरह दोनों किचन में चली जाती है और सुषमा रूपा को सब्जी बनाने का तरीका बताती है। तभी रूपा कहती है, माँ जी ज्यादा खुश होने की ना कोई जरूरत नहीं है, आपकी बात सुनकर आपके साथ बनाने आ गई, सिर्फ और सिर्फ किशोर जी के लिए। तो तुझे क्या लग रहा है, मुझे तेरे साथ काम करके अच्छा लग रहा है क्या? वो तो बस मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। अब जो बोल रही हूँ ना, जल्दी जल्दी कर। ठीक है, देखिए ऐसे करूँ, सही है ये? ठीक है, तू जल्दी कर, फिर तुझे रोटी भी बनाना सिखाऊंगी। मैं क्यों करूँ? क्यों, किशोर को अपने हाथों से खाना खिलाएगी कि वो तेरी तारीफ करे? काली कलूटी कहीं की, फिर भी इसमें पैसे का घमंड ही घमंड है। नहीं, मैं खिलाऊंगी उन्हें अपने हाथों का बनाकर। सब जानती हूँ काम करवाने के तरीके हैं, ताकि खुद औरतों से जाकर बाहर मेरी चुगली करे और खुद को फिर कुछ करना ही ना पड़े। मन में बड़बड़ाते हुए आखिर दोनों खाना बना ही लेती हैं और किशोर के सामने प्यार की एक्टिंग करके दोनों साथ में आराम से खाना खाती हैं। आप दोनों को एक साथ प्यार से रहते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है, और आप लोग जब झगड़ा करते हो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तो यही चाहूँगा कि आप दोनों एक साथ प्यार से रहो। हाँ बेटा, अब से हम ऐसे ही रहेंगे, तू चिंता मत कर। हाँ किशोर जी, खाना खाइए ना, और दूं आपको। दो दिन बाद सास बहू दोनों शॉपिंग करके आती हैं कि तभी सुषमा रूपा से कहती है, अरे बहू ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है और गहरे रंग की है, तो उस पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। ऐसा कर, तू ये साड़ी मुझे दे दे, तू दूसरी ले ले। नहीं माँ जी, ये अपने लिए पसंद करके लाई हूँ, मैं नहीं दूंगी आपको ये साड़ी, मैं ही पहनूंगी इसे। तो मैंने बोला ना, तू पीली रंग की साड़ी ले ले, क्योंकि तेरा सांवला रंग है, तुझ पे अच्छी भी लगेगी, और ये साड़ी तुझ पे अच्छी नहीं लग रही है। नहीं माँ जी, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता, आपको अपनी साड़ी तो अच्छी लग नहीं रही है, इसलिए आप मेरी साड़ी ले रही हो। देख बहू, ज्यादा बन मत, मैं तेरी सास हूँ, तुझे मेरी सारी बात सुननी पड़ेगी। इस तरह दोनों लड़ने लगती हैं कि तभी किशोर उन्हें लड़ते हुए देख लेता है और बोलता है, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? माँ रूपा, आप दोनों एक्टिंग कर रही थी, और मैं सोच रहा था कि मेरी माँ और बीबी में प्यार है, लेकिन नहीं, मैं तो गलत था, आप दोनों तो मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी। क्या करूँ किशोर जी, मैंने माँ जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद हमें सुलह हो ही नहीं सकती। देख ले बेटा, ये मेरी कभी बात ही नहीं मानती है, इसने मुझे समझ के रखा है। ठीक है, जब तक आप दोनों में सुलह नहीं होती, मैं आप दोनों में से किसी से बात नहीं करूंगा और ना ही खाना खाऊंगा, बाय। ये बोलकर वो घर से निकल जाता है और दोनों को एक करने की तरकीब निकालने लगता है, जिसके बाद उसे एक आइडिया आता है और वो एक चोर बनकर अपनी माँ के कमरे में जाता है और सामान गिराकर शोर करता है। अरे ये शोर तो मेरे कमरे से आ रहा है, घर में हम दोनों के अलावा तो कोई है ही नहीं, फिर कौन हो सकता है? हाँ माँ जी, मुझे तो सही लग रहा है, कहीं कोई चोर हुआ और उसके पास चाकू हुआ, मैंने टीवी में देखा है माँ जी। बहू तू मुझे और मत डरा, कोई बात नहीं, वो अकेला है और हम दो हैं, चल उसे मिलकर भगाते हैं। चलो माँ जी, आप आगे रहना। दोनों सास बहू हाथ में पैन और झाड़ू लिए सुषमा के कमरे में आ जाते हैं। सुषमा उस चोर को धक्का मारकर गिरा देती है और रूपा चोर के सर पर पैन दे मारती है। अरे माँ, अरे माँ कितना मारोगी, आ मार डाला रे। अरे ये तो किशोर की आवाज है। हाँ माँ जी, ये किशोर जी है, माफ करना किशोर जी, हमें लगा कि कोई चोर घुस गया है, इसलिए हमने मिलकर उसे सबक सिखाने के लिए ये सोचा। इसका मतलब मेरा प्लान काम कर गया। प्लान? कैसा प्लान? आप दोनों को एकजुट करने के लिए चोर बन के आया था मैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ काम करने का फल देख सको। किशोर की बात सुनकर रूपा और सुषमा सब समझ जाते हैं, जिसके बाद सुषमा उसे सांवली नहीं कहती और रूपा अपने पापा के पैसों का घमंड नहीं करती, और सभी खुशी खुशी मिलकर रहने लगते हैं। राजन और उसके घर वाले परेशान होकर वैशाली को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वैशाली उनको कहीं नहीं मिलती। राजन की माँ राजन से बोलती है, मैंने तो पहले ही कहा था, वो लड़की हमारे घर की बहू बनने लायक ही नहीं है, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। माँ ये वक्त है इन सब बातों का, तो अब करे क्या, तू ही बता। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए।
नहीं, हम पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वैशाली की बदनामी हो। ठीक है, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे। राजन और उसके घर वाले फिर से वैशाली को तलाशने में लग जाते हैं और जगह जगह तलाश करते हैं। राजन वैशाली को ढूंढते ढूंढते अपने बीते कल को याद करने लगता है। वैशाली और राजन दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। वैशाली को कुरकुरे खाना बहुत ज्यादा पसंद था। कह सकते हैं कि वो कुरकुरे की दीवानी थी। राजन उसके लिए रोज रोज कुरकुरे लेकर आया करता। एक दिन गलती से राजन उसके लिए कुरकुरे लाना भूल गया तो वैशाली राजन से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे गुस्सा देखकर राजन उसे माफी मांगने लगता है। सुनो, आज एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे। कैसी गलती? आज मैं तुम्हारे लिए कुरकुरे लाना भूल गया। माफ कर दो मुझे। पता है मैं लेट हो गया था बहुत ज्यादा, तो जल्दबाजी में ला नहीं पाया। नहीं, मुझे नहीं सुनना, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? प्लीज ना यार, मैं अभी जाके कैंटीन से लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ, इससे पहले मेरा गुस्सा और बढ़ जाए। अब राजन कॉलेज की कैंटीन से कुरकुरे लेने चला जाता है, लेकिन कैंटीन में जाकर उसे पता चलता है कि उसी दिन कुरकुरे खत्म हो गए और कुरकुरे कैंटीन में आने में 2 दिन लगेंगे। ये बात जानकर राजन बहुत टेंशन में आ जाता है और खुद से बोलता है, यार इन कुरकुरों को भी आज ही खत्म होना था क्या? अगर कुरकुरे लाके नहीं दिए वैशाली को, वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। राजन अपने आप को बचाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वैशाली उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है, मेरे कुरकुरे कहाँ हैं? वो क्या बताऊँ तुमको मैं? जो सच है वो बताओ। देखो तुम गुस्सा मत करना, लेकिन कुरकुरे खत्म हो गए कैंटीन में और अगली सप्लाई आने में 2 दिन लग जाएंगे। वैशाली राजन की बात को सुनकर बिना कुछ कहे मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। राजन भी उसके पीछे पीछे उसे मनाने जाने लगता है। वो अपनी क्लास में आ जाते हैं, तभी राजन वैशाली से बोलता है, क्या हुआ, तुम ऐसे बिना कुछ कहे यहाँ क्यों आ गई? मुझे कुछ नहीं कहना, तुम जाओ। जाओ मतलब? देखो मुझे पढ़ाई करने दो, मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। ठीक है। ऐसा कहकर राजन वैशाली के पास से चला जाता है और कोने वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में उनके पास प्रोफेसर आ जाते हैं और उनके प्रोफेसर अपनी क्लास खत्म करके उन सब से एक इम्पोर्टेंट न्यूज शेयर करते हैं और सबको पूछते हैं, लिसन एवरीबॉडी, आप लोगों में से कितने लोगों ने कुरकुरे खाया है? वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट एक साथ जवाब देते हुए बोलते हैं, हमने खाया है। सब स्टूडेंट की बात सुनकर प्रोफेसर उनको बताते हैं, लगता है आप सभी को कुरकुरे बहुत ही ज्यादा पसंद है, पर एक स्टडी के दौरान ये बताया गया है कि कुरकुरे जिन चीजों से बनाया जाता है उनकी खेती अब हमारे देशों में कम हो गई है। इसकी वजह से अब कुरकुरे का उत्पादन काफी कम हो जाएगा और हो सकता है कि बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। प्रोफेसर की बात को सुनकर सभी स्टूडेंट्स को झटका लगता है, लेकिन वैशाली तो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाती क्योंकि कुरकुरे उसे बहुत पसंद थे और वो खड़ी होकर अपने प्रोफेसर के पास चली जाती है और उनसे बोलती है, नहीं सर, आप जो कह रहे हैं ना, ये कभी नहीं हो सकता। ये मैं नहीं स्टडी कह रही है। आपकी स्टडी की तो ऐसी की तैसी, मेरे कुरकुरे को बंद करेगी? ये आप क्या कह रही हैं? और ये कौन सा तरीका है अपने प्रोफेसर से इस तरह से बात करने का? हालात को ऐसे बिगड़ते देखकर राजन वैशाली को चुप करवाने उसके पास आ जाता है और उसे चुप करवाने के बाद उसके बिहाफ पर प्रोफेसर से बोलता है, सर इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। एक्चुअली बात ऐसी है ना कि इसकी थोड़ी तबीयत खराब है और इसको कुरकुरे खाने का बहुत ही शौक है और आज इसे मिला नहीं, और जैसे आपने कुरकुरे का नाम लिया ये थोड़ी सी इरिटेट हो गई, बस और कुछ नहीं। अभी तो मैं छोड़ देता हूँ, पर आगे से ध्यान रखना। जी जी सर, आगे से ध्यान रखेगी। प्रोफेसर अब क्लास से बाहर चला जाता है। फिर राजन वैशाली को क्लास के बाहर ले जाता है और उससे पूछता है, यार ये तुम क्या कर रही थी, सर से पंगे क्यों ले रही थी तुम? तुमने सुना नहीं वो क्या बोल रहे थे मेरे कुरकुरे को लेकर? तो उन्होंने गलत तो कुछ भी नहीं कहा था ना, और ये बात तो मुझे आज ही पता चली कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। राजन और प्रोफेसर की बातें सुनकर वैशाली ज्यादा परेशान हो जाती है और ज्यादा सोचने के कारण वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। राजन उसे जल्दी से मेडिकल रूम में लेकर जाता है जहाँ मौजूद डॉक्टर राजन से पूछती है, क्या हुआ इन्हें? पता नहीं डॉक्टर, अभी कुछ समय पहले तो ठीक थी। चलिए कोई बात नहीं, मैं इन्हें देखती हूँ, आप बाहर वेट कीजिए। थोड़ी देर तक वैशाली डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में रहती है। राजन को अब वैशाली को इस हाल में देखकर काफी चिंता हो रही थी और वो खुद से बोलता है, हे राम जी ठीक कर दो उसे, कोई ज्यादा सीरियस बात ना हो। मुझे लगता है उसके ऊपर सर की बातों का गहरा असर हुआ है जिसके कारण वो बेहोश हो गई, और थोड़ी बहुत गलती तो मेरी भी थी ना। एक काम करता हूँ,
जाके मैं कुरकुरे लेकर आता हूँ, तब तक वो होश में आ जाएगी और जब देखेगी तो खुश हो जाएगी। राजन कॉलेज से बाहर वैशाली के लिए कुरकुरे लेने चला जाता है। उसके जाते ही वैशाली को भी होश आने लगता है और वो डॉक्टर से बोलती है, मैम वो कहाँ है जो मुझे यहाँ लेकर आई थी? वो तो आपको मेरे पास एडमिट करके यहाँ से चले गए। ओके मैम, क्या मैं जा सकती हूँ? जी अब आप जा सकती हैं, और मैं कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, उन्हें टाइम पर लेते रहना। वैशाली मेडिकल रूम से बाहर आ जाती है और बाहर आकर राजन को ढूंढने लगती है। वो उसको क्लासरूम में, कैंटीन में, पार्क में भी देखती है, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिलता। वैशाली फिर से परेशान होने लगती है। राज तुम कहाँ चले गए? से इतना नाराज हो गई कि मेरा इंतजार करना भी तुमने जरूरी नहीं समझा। वैशाली पार्क में बैठकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद राजन कॉलेज वापस आ जाता है और सीधा मेडिकल रूम की तरफ जाने लगता है। तभी सामने से डॉक्टर आ रही होती है। राजन उनके पास चला जाता है और उनसे पूछता है, डॉक्टर आप यहाँ पर हो तो वैशाली के पास कौन है? वैशाली तो चली गई, उसे होश आ गया था और वो पहले से भी काफी बेहतर लग रही थी, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। आपको पता है क्या वो कहाँ गई है? सॉरी पर मुझे नहीं पता। अच्छा वो कुछ पूछ रही थी क्या आपसे, मतलब मेरे बारे में? हाँ पूछ तो रही थी, पर तुम यहाँ पर थे नहीं तो मैंने उसको बोल दिया कि तुम यहाँ से जा चुके हो। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। अब राजन वैशाली को पूरे कॉलेज में ढूंढता है, पर वैशाली उसे कहीं नजर नहीं आती। आखिर में वो उसे पार्क में बैठी हुई नजर आती है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तुम यहाँ पर हो और मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा था, वैसे ये बताओ कैसा फील हो रहा है तुम्हें? तुमसे मतलब? मुझसे नहीं तो किससे मतलब होगा? तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे ना जब मैं बेहोश थी, फिर अब क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। राजन वैशाली के कहने पर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो उसे कुरकुरे का पैकेट देकर चला जाता है। कुरकुरे को देखकर वैशाली बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से राजन को पीछे से जाकर हक कर लेती है और उससे बोलती है, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए कुरकुरे लेकर आओगी। मैं बस इसीलिए गुस्सा हो गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। अगर चला भी गया था तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ? जितना प्यार मैं कुरकुरों से करती हूँ ना, उससे कई ज्यादा तुमसे भी करती हूँ पागल कहीं के। और वैसे भी मैं इतनी कुरकुरी इनकी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से हुई हूँ। अच्छा जी। वैशाली को ढूंढते ढूंढते काफी रात बीत गई थी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता। तो अब राजन भी पुलिस के पास जाने के बारे में सोचने लगता है कि तभी सामने से एक लड़की शादी के जोड़े में भागती हुई उसी के पास आ रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि वैशाली ही थी। वो राजन के पास आकर उससे कहती है, मुझे माफ कर दो, वो क्या है ना, यहाँ से एक कुरकुरे की गाड़ी जा रही थी और तुम्हें तो पता है कि मुझे कुरकुरे कितने ज्यादा पसंद है, तो बस मैं उसके पीछे दौड़ गई और भागते भागते मैं शहर के बाहर चली गई, इसलिए लेट हो गया। सॉरी ना, तुम मुझसे नाराज तो मत होना। बिल्कुल भी नहीं, चलो अब शादी कर लेते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी से, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। वैशाली भी बहुत खुश होती है, खासकर इस बात को लेकर कि उसे राजन जैसा हमसफर मिला जो इतना केयरिंग और सपोर्टिंग है। वो उसके साथ बहुत खुशी के साथ प्यार से रहती है। सूरज अपनी पत्नी निशा के साथ रहता था। वहीं सूरज की माँ अपर्णा और पिताजी कमलेश दोनों ही गाँव में रहते थे। हालांकि सूरज की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और शादी के बाद सूरज के माता पिता शहर नहीं आए थे। अरे निशा क्या हुआ, अब तक तुम्हारी रोटी नहीं बनी क्या? क्या कर रही हो तुम किचन में तब से? सूरज आटा गीला हो गया, मैंने कहा था ना कि मैं रोटी तो फिर भी बना लूंगी, लेकिन मुझे पता नहीं लगता कि आटा गूंथते वक्त कितना पानी डालना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मुंह मत बनाओ और हाँ इसे हटाओ और चाय बनाओ, मुझे ऑफिस जाना है। और हाँ खाना मैं बाहर खा लूंगा। हमारी शादी को 4 महीने से ज्यादा हो गया है, उसमें से आपने मेरे हाथों का खाना 20 दिन भी नहीं खाया होगा, और जो खाया होगा वो जला या अधपकी रोटी, किसी सब्जी में नमक ज्यादा तो किसी में मिर्ची ज्यादा। कोई बात नहीं, 4 महीने और लगेंगे, लेकिन तुम खाना बनाना सीख जाओगी। वैसे शादी से पहले कहा था तुमसे कि खाना बनाना सीख लो, लेकिन तुम नहीं मानी। वैसे लोगों ने सच कहा है कि माँ जैसी ना कोई नहीं होती है। कहना क्या चाहते हो, कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ? अरे जब तुम्हें तुम्हारी माँ ही इतनी प्यारी थी तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? माँ के हाथों का बना खाते ना, सुबह ऑफिस जाते, रात में फिर आकर माँ के हाथों का खाते, मैंने तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दिया ना। नहीं यार तुम कैसी बातें कर रही हो, माँ तो माँ होती है ना, और माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, और तुम्हारी भी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता है। ऐसी बातें करके ना तुम मेरा खून ना जलाया करो, ये लो तुम्हारी चाय, और हाँ
शाम में जल्दी आना, हम कुछ अच्छा खाने बाहर चलेंगे। ओहो, मैं तो कब से सोच रहा था किसका बहाना अब तक आया क्यों नहीं है। बेबी सोना जादू टोना कर करके मीठी मीठी बातों में फंसा फंसा के इसने शादी कर ली मुझसे, और अब जब खाना बनाना पड़ता है तो कहती है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। सच कहते हैं लोग कि माँ जैसा ना कोई नहीं होता। माँ हमेशा पैसा बचाने और घर संभालने के बारे में सोचती है, और ये पैसों को खर्च करने के बारे में सोचती है। अरे क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? आप शाम में आओगे ना जल्दी, मैं तैयार रहूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम कुछ कहो और मैं पूरा ना करूँ, ऐसा कभी हुआ है क्या? जो अब होगा। सूरज अब अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। इधर निशा घरों के कामों में लगी होती है। हालांकि उसे तो घर के काम भी जल्दी नहीं होते थे, क्योंकि उसने कभी घर का काम ही नहीं किया था। अब कुछ समय बाद ही निशा की पड़ोसन विमला का आना होता है। बहू, अरे ओ बहू कहाँ है? अरे रे रे देखो तो जरा, पोछा भी कितना गीला लगाया है, ऐसा लग रहा है किसी ने पानी गिरा दिया हो। अरे विमला आंटी आई है ना, आप वहीं खड़ी हैं। बहू तूने अभी पोछा लगाया है? और मैं आई तो सब गंदा हो जाएगा, ये खीर देने आई थी मैं, सूरज को मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद है। अरे आप भी ना उनका कितना ध्यान रखती हैं, आज तो वो भूखे ही गए हैं ऑफिस। वो क्या है ना, मुझे अब तक ठीक से खाना बनाना नहीं आया, और तो और आज भी आटा गीला हो गया मुझसे। अरे बहू कुछ भी कह ले, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को जितना प्यार करती है उतना प्यार कोई भी नहीं करता, इसलिए मैं भी अपनी बहू को कहती रहती हूँ, बहू हो तो बिल्कुल माँ जैसी, जो कि मेरे बेटे का ख्याल माँ जैसा रख सके। क्यों नहीं विमला आंटी, तभी तो मैं कह रही थी उनसे कि अगर माँ का प्यार चाहिए तो फिर माँ के पास चले जाइए। बहू तू अभी नहीं समझेगी, चल मैं चलती हूँ, तू काम कर ले। निशा को विमला की बातों से और भी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हर वक्त हर समय हर कोई अपर्णा की ही तारीफ करता रहता था। अब देर शाम निशा अपने पति का इंतजार कर रही होती है, लेकिन सूरज का कहीं अता पता नहीं होता। ना ये इंसान फोन उठा रहा है और ना ही इन्हें मेरी कोई फिक्र है, 3 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन इनका कोई अता पता नहीं है। मामा आराम से आइए आप, आराम से। निशा निशा देखो देखो कौन आया है, माँ आई है माँ। तो तुम अपनी पत्नी को यहाँ इंतजार करवा कर अपनी माँ को लाने गए थे? आज मुझे समझ आ चुका है कि तुम्हारे लिए माँ कितनी ज्यादा जरूरी है। माँ के बारे में अगर तुमने एक भी शब्द बोला ना तो मैं बोलने पे आ जाऊँगा, अगर मैंने बोला ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। ठीक है तो तुम अपनी माँ के साथ ही रहो, उनकी आगे पीछे घूमो, मैं सुबह ही अपने मायके चली जाऊंगी। क्या हुआ बहू को, क्यों इतना गुस्सा हो रही है? वो आजकल के बच्चों के तो नाक पर ही गुस्सा रहता है, जा कर देख बहू को क्या हुआ है उसे। अरे माँ छोड़ो ना उसे, उसका तो रोज का ड्रामा है। वैसे माँ आते हुए थक तो बहुत गए होगे आप, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि मुझे आपके हाथों का खाना खाना है, बहुत दिन हो गए हैं। अरे अभी बना देती हूँ, और थकावट इस उम्र में नहीं होगी तो कब होगी, मैं खाना तो बना ही सकती हूँ। निशा गुस्से में अपने कमरे में होती है, और ना वो अपनी सास अपर्णा के पैर छूती है और ना वो हाल चाल लेती है, बल्कि उसे तो इस बात का गुस्सा था कि सूरज उसे डिनर पर लेकर ही नहीं गया। निशा ये क्या तरीका है माँ के सामने ऐसी बात करने का, हाँ ना तो तुमने नमस्ते कहा माँ को और ना ही हालचाल लिया, बस तुम्हें अपनी परी है कि डिनर पे नहीं जा पाओगी। मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो तुम्हारी माँ आ गई है ना, अब रहो उनके पल्लू से बंधे। सूरज भी अब हॉल में आ जाता है और अपनी माँ के साथ बैठ कर खाना खाता है। खाने में अपर्णा आलू की सब्जी और पूड़ी बनाती है, लेकिन निशा दोनों के साथ खाने नहीं आती। अब अगली सुबह जैसे ही विमला को अपर्णा के बारे में पता चलता है तो वो अपनी सहेली से मिलने चली आती है। अरे अपर्णा तू आ गई, मेरी आंखें तुझे देखने के लिए तरस रही थी और तू आखिरकार आ ही गई। अरे विमला मैं भी तो तेरा ही इंतजार कर रही थी, और बता सब ठीक है? तू तो पहले से और ज्यादा सुंदर हो गई है, क्या बात है विमला? अरे धत अब बुढ़ापे में कहीं जवानी आती है, वैसे यहाँ आकर तूने बहुत अच्छा किया, तेरा सूरज तेरे लिए बहुत परेशान रहता था। अरे तभी तो मैं यहाँ चली आई, माँ अपने बच्चों का दिल का हाल बिना कहे ही जान लेती है। ये तो तू ठीक कह रही है, चल बाहर बैठते हैं, तुझे कांता और रमा से भी मिलवाऊं। नहीं नहीं विमला अभी नहीं, थोड़ा खाना बना दूं, घर की साफ सफाई करनी है, बाद में खुद से सबसे मिलने आऊंगी।
हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तू आ ही गई है तो बहू को भी क्यों ना अपने हाथों से बनाकर खिलाएगी। देखा बहू, तभी तो मैं तुझे कह रही थी कि बहू हो तो माँ जैसी, माँ का प्यार बहुत निर्मल होता है। निशा को अपनी सास का यूं अचानक आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो देख रही थी कि वो जितना बुरा बर्ताव अपनी सास के साथ कर रही थी उतना ही अच्छा उसकी सास बोलकर कर रही थी। बहू तूने सुबह से कुछ खाया या नहीं, चल पहले कुछ खा ले फिर आराम करती रहियो। माँ जी मेरी चिंता आप मत ही कीजिए तो अच्छा है, मैं अपना ध्यान ना खुद रख सकती हूँ। बस आप अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए ताकि आपको और आपके बेटे को आसपास के पड़ोसों से गोल्ड मेडल मिले। आजकल के बच्चे भी ना कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं। होता है बहू होता है, अभी तो तुझे मेरी छोटी से छोटी बात भी बुरी लग रही है, लेकिन ये सब मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। माँ जी मैं नहीं चाहती आपके मुँह से कि मेरे लिए कुछ भी निकल जाए। अपर्णा भी अब अपनी बहू की बातों को दिल पर नहीं लेती और अपने कामों में लग जाती है। अब देर शाम विमला अपर्णा को बाजार लेकर जाती ही है, साथ में निशा को भी जबरदस्ती ले जाती है। बहू सामने से ट्रक आ रहा है। बहू अरे ये सुन क्यों नहीं रही है? अरे अपर्णा तू कहाँ जा रही है? अरे अरे सुन तो। इतना कहने के बाद अपर्णा अपनी बहू को बचाने में खुद को चोट पहुंचा लेती है। जैसे ही अपर्णा अपनी बहू को धक्का देकर खुद को बचाती है, उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और अपर्णा गिर जाती है, जिससे उसके सर में चोट आती है। अब अपर्णा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसे डॉक्टर दवा और मरहम पट्टी करने के बाद अपर्णा को घर पर ले जाते हैं। अब सूरज को पता चलता है तो वो निशा को खूब सुनाता है और निशा को भी काफी पछतावा होता है कि उसकी सास ने उसके लिए खुद को चोट पहुंचवा ली, लेकिन वो उसे गलत समझती रही, जिसके लिए वो अपनी सास से माफी भी मांगती है। और उस दिन के बाद से उसे ये भी समझ आ जाता है, बहू हो तो माँ जैसी, लेकिन वो माँ की तरह बन नहीं सकती थी क्योंकि माँ तो महान होती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।